हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घी बनाने का आसान तरीका बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको 10 दिन की मलाई से काफी सारा घी बनाना बता रही हूँ। मेरा एक कटोरा तो ये भर जाता है, इससे थोड़ा छोटे साइज का कटोरा है, एक ही भर गया है। मलाई को मैंने फ्रीजर के अंदर रखा था ताकि ये बिल्कुल भी खराब ना हो, ना ही इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल आए। इसे मैंने फ्रीजर से कम 4 से 5 घंटे पहले बाहर निकाल देता ताकि इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर बिल्कुल भी आइस नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बिना मिक्सी के, बिना किसी चम्मच के, ना ही कोई इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं घी बनाना बता रही हूँ। देखिए, आप जो भी बर्तन ले रहे हैं, आपके बर्तन भी इसमें कम से कम गंदे होंगे, बिल्कुल भी हमें ज्यादा बर्तन गंदे करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी मलाई है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। सारी मलाई मैंने कढ़ाई में डाल दी है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं है, लेकिन जो मलाई हमारी काफी ज्यादा ठंडी है, इसे ठंडा रखना जरूरी है, लेकिन इसमें आइस नहीं रहना चाहिए। इस तरह से पहले थोड़ा सा हाथ तो से इसे मसल दूंगी। बिल्कुल भी हम ज्यादा बर्तन का इसमें यूज नहीं करेंगे, बस इस तरह से हमें हाथ से ही इसे फेंटना है, कोई चम्मच की भी जरूरत नहीं है। और आप देखिएगा कितनी जल्दी इसका मक्खन निकल जाएगा। ना ही मैंने इसके अंदर कोई दही डाल के रखा था, कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ मलाई जो रहती है मैंने सिर्फ उसे ही इकट्ठा करके रखा था। एक चीज आपको मैं इसमें डालना बताऊंगी, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी जल्दी और आसानी से हमारा घी जो है वो निकल जाता है। ये देखिए, थोड़ी सी मलाई जो है पहले टाइट हुई, उसके बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी है। बस इसी समय हमें इसके अंदर एक चम्मच मैंने ये शक्कर ली, जो दाने वाली शक्कर आती है, हमें इसी का यूज करना है, पीसी भी शक्कर इसमें नहीं डालना है। एक चम्मच मैंने ये शक्कर डाल दी है। अब आप देखिएगा, इसे मैं फेंटती जाऊंगी, कितनी जल्दी इसका मक्खन बनने लग जाएगा। बिल्कुल हमें कम से कम फेंटना पड़ेगा, ज्यादा नहीं फेंटना पड़ेगा। इसमें से जो दूध रह जाता है थोड़ा थोड़ा, जब हम मलाई को इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध जो हर बार इकट्ठा होता है वही इसका बाहर निकलेगा। ये देखिए, मक्खन जो हमारा ये बनने लगा है। ये देखिए, ये लिक्विड होने लगा है, दूध जो है ये देखिए हाथ में इस तरह से आने लगा। बस हमें कंटिन्यू ही चलाना, ज्यादा देर हमें नहीं फेंटना पड़ेगा, मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगेगा। बस इसी समय इसके अंदर हमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देगा। छोटी सी कटोरी से मैंने एक ही कटोरी पानी का यूज करा है। इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट और फेटा था। ये देखिए इस तरह से ये, लेकिन अभी जो है इसके लड्डू जैसे हम बनाएंगे थोड़े से सॉफ्ट बने, इसलिए इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी और डाल रही हूँ। ठंडा पानी आपका अच्छा फ्रीजर का ठंडा रखा हुआ होना चाहिए। बस इसे हम इकट्ठा करेंगे, अब हमें फेंटने की जरूरत नहीं है, बस हम इसी तरह से इकट्ठा करते जाएंगे, ये टाइट होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर में ठंडा पानी डालती जाऊंगी। इसे ठंडा पानी डालेंगे हम, इस तरह से ये गोला जैसे इसका बनने लग जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल भी हमें ज्यादा फेंटने की इसे बिल्कुल जरूरत नहीं रहती, कम फेंटने में भी काफी अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। बस इस तरह से मैं इसके गोले बना के तैयार कर लूंगी, उसी बर्तन का यूज करूंगी जिसके अंदर मैंने मलाई रखी थी। बिल्कुल हम जो मलाई का कटोरा है वो सिर्फ एक कढ़ाई, इसके अलावा हम कोई भी बर्तन का यूज नहीं करेंगे। ये देखिए, मैंने ये कटोरा लिया है, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी और डाल दूंगी ताकि हमारा अच्छे से धुल भी जाएगा और हमें इसे टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठंडे पानी में रखने से ही काफी अच्छे से टाइट हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे इसके गोले बना बना कर तैयार कर लूंगी। आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं।
ये सिर्फ हमारा इसका पानी, दूध जैसा जो पानी रहता है यही बचा। आप इस पानी से चाहे तो पनीर बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे कोई भी मिठाई भी बना सकते हैं, या फिर इसका दही जमा कर इसे आप अपने बालों में भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसकी कड़ी भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे उसे आप बना सकते हैं। देखिए इतना सारा मेरा इसका ये पानी निकल गया है। कढ़ाई को भी आपको धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा जो हमने मलाई का जो मक्खन बनाया है वही हमारा निकला है। देखिए इस तरह से मैंने इसके बड़े से इसके गोले बना के तैयार कर लिए। देखिए ठंडे पानी में डालने से काफी अच्छे से टाइट हो गए। इसे मैं अच्छे से ऊपर नीचे कर दूंगी ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो पानी हमारा पूरा निकल जाएगा। इसे दबा दबा के पानी इसका आप निकाल लीजिए। इसे मैं इसी कढ़ाई के अंदर वापस डाल दूंगी। काफी आसान हो जाता है ये काम। आप चाहें तो इस प्रोसीजर को मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में करने से रहता है आपकी मिक्सी भी गंदी होगी, उसके बाद इसे आपको छानने के लिए छन्नी का भी यूज करना पड़ेगा, चम्मच मलाई लेने के लिए भी लगेगा, मतलब आपके काफी सारे बर्तन हो जाएंगे। सिर्फ मैंने कढ़ाई का ही यूज करा है। इसी तरह से मैं सारा, ये देखिए इतने सारे मेरे गोले बन के तैयार हो गए। इसके थोड़े थोड़े मैं ठंडे पानी में डालती जाऊंगी और इसे पूरा दबा दबा कर पूरा निकाल लूंगी। ये देखिए सारे मेरे तैयार हो गए हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है, गैस को मैंने अभी तेज रखा है। जब तक ये हमारा मेल्ट नहीं हो जाता, सिर्फ मैंने इस तरह से जो खोची का यूज करते हैं सब्जी वगैरह हिलाने में, मैंने स्टील की ही ली है ताकि अच्छे से ये नीचे तले तक इसे हम आसानी से हिला सके। दबाते जाइए आप, हिलाते जाइए, काफी जल्दी भी इस तरीके से आपका घी बन जाएगा, काफी ज्यादा क्वांटिटी में भी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है। जब एक बार पूरा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे, क्योंकि इस घी को हम मध्यम मध्यम आंच में धीरे धीरे पकाएंगे ताकि हमारा लंबे समय तक चलेगा। इसे आप फ्रिज में रख के कम से कम 3 से 4 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होगा। बस आपको हिलाने के लिए ही एक चम्मच का यूज करना है, वो भी इसी तरह से ताकि इसे हम नीचे तक हिला सके। इसे अब मैं अच्छे से पूरा मेल्ट होने दूंगी। ये देखिए इसके अंदर अच्छे से उबाली आने लगी है। गैस को मैं मीडियम कर रही हूँ, मीडियम गैस में इसे बीच बीच में आप चलाते जाइए, इसमें जब तक घी ना निकलने लगे बस इसी तरह से आपको बीच बीच में इसे चलाना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। गैस को तेज नहीं करना है, नहीं तो घी अंदर से अगर कच्चा रह जाएगा, अच्छे से नहीं पकेगा, तो हमारा घी जो है वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसको लो और मीडियम गैस पे ही आप बनने दीजिए। बनने में टाइम जरूर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन घी आपका बढ़िया और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। मुझे इसे करते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है। अभी पहले से भी थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, अब थोड़ी देर में ही घी और जो इसके अंदर का मावा रहता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होने लगेगा। ये देखिए गाढ़ा हो जाता है और इस तरह से इसमें दाने जैसे बनने लगते हैं। तो बिल्कुल भी हमारे तले में नहीं चिपका, बस आपको ध्यान ये रखना है इसे तले तक आपको ले जाकर इस तरह से हिलाना है। साइड में जो जम जाता है उसे इस तरह से आप निकालेंगे। ये देखिए लास्ट में क्या काफी ज्यादा घी हमारा वेस्ट हो जाता है, बीच बीच में इसे आप चलाते जाइए। इसे भी होने में कम से कम 10 मिनट का समय और लगेगा। अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तो आपको आधे घंटे में घी आपका बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने 10 दिन की मलाई को 2 बड़े बाउल में इकट्ठा करा था। अगर आपकी कम रहेगी तो जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। मुझे इसे हिलाते हुए 5 मिनट का समय और हो गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बबल्स आ रहे हैं काफी ज्यादा तेजी से आ रहे हैं, और इस तरह से इसे हम उठाकर देखेंगे तो ये देखिए और ज्यादा ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें जो है पूरा घी नजर आ रहा है, मावा नजर आने लगा है, छोटे छोटे से पीस है, इसलिए अब इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे ताकि बिल्कुल भी हमारे तले में ना चिपके। बस अब कुछ ही मिनट के अंदर इसमें से घी जो है वो आपको अलग होता हुआ नजर आएगा। इसकी ये निशानी है, इतनी तेजी से इसमें बबल्स आ रहे हैं, मतलब ये घी अब हमारा निकलने ही वाला है। साइड्स में देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से लेयर जो है घी की वो आने लगी है।
ये देखिए अब घी और मावा जो है हमारा अलग होने लगा है, घी बिल्कुल इसके अंदर ऊपर आने लगा है। देखिए बबल्स जो बन रहे हैं वो घी के बन रहे हैं। बस 5 मिनट और लगेगी हमें और हमारा घी जो है ये बन गया, तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितने हद तक इसमें से घी जो है हमारा बाहर आ गया है। अब मावा भी आप देख सकते हैं इस तरह से, ये वाइट कलर का भी कुछ ही मिनट के अंदर ही तुरंत डार्क कलर का हो जाएगा। गैस को बिल्कुल भी आपको तेज ज़्यादा नहीं करना है, मैंने लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, मीडियम के लगभग आप समझ लीजिए। इसमें जो हमारा मावा भी निकलेगा काफ़ी बढ़िया और टेस्टी निकलेगा। आप इसे इस पर शक्कर डालकर भी खा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एकदम पीला, जैसे मार्केट में जैसे गाय का घी आता है पीले कलर का, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपके व्रत में खाने के काम में नहीं आएगा। शक्कर डालने से आप सोचेंगे सिर्फ शक्कर तो डाली कि घी बनाने में उससे क्या होता है। शक्कर डालने से ये होता है कि घी जो है तले में हम इस तरह से चलाते हुए इसे बनाते हैं बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। दूसरी बात ये शक्कर डालने से ये हमारा दानेदार जो घी रहता है एकदम चिकना नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसमें दाने वाला, जैसे दानेदार जो घी रहता है काफी बढ़िया लगता है, उस तरह से हमारा ये दानेदार घी बन के तैयार होगा और ये लंबे समय तक हमारा खराब भी नहीं होगा। जब ये हमारा घी बन जाएगा इसके अंदर मैं एक चीज डालूंगी जिससे इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। इसे आप फ्रिज में रखकर 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा घी जो है वो खराब नहीं होगा। देखिए कितनी जल्दी इसके जो दाने हैं थोड़े से टाइट होने लगे। घी भी आप देख सकते हैं काफी सारा मेरा ये घी बन के तैयार हुआ है। देखिए काफी अच्छे से पूरा घी और मावा हमारा अलग अलग हो गया है। देखिए दाना भी आप देख सकते हैं, मावे का जो दाना है काफी अच्छा और थोड़ा सा मोटे दाने का बना है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। मावे का कलर जो है काफी ज्यादा चेंज नहीं करूंगी, एकदम लाइट ही कलर रखना है मुझे। एकदम इसका डार्क ब्राउन जो कलर रहता है वो कलर मैं बिल्कुल नहीं कर रही। अभी काफी ज्यादा गर्म है, 5 मिनट तक हम इसे कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे। अभी ये काफी ज्यादा गर्म है, इसे हम इसी तरह से कढ़ाई में ही रहने देंगे ताकि ये बिल्कुल भी हमारा डार्क कलर का ना हो। सिर्फ 5 मिनट ही इसे हमको रखना है, ज्यादा समय इसे हमें नहीं रखना है। 5 मिनट में इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मेरा घी जो बना है वो थोड़ा सा येलो शेड में क्यों बना है। येलो इसलिए बना है कि मेरे घर के अंदर गाय और भैंस दोनों की मलाई को मैं एक ही जगह स्टोर करती हूँ, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा येलो आया। अगर आप सिर्फ भैंस के दूध से बनाते हैं या पैकेट वाले दूध से बनाते हैं तो उसका कलर जो है एकदम वाइट बनता है। तो अगर आपको पीला कलर पसंद है तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सिर्फ गाय के दूध से बनाते हैं या फिर गाय के दूध और भैंस के दूध दोनों को मिक्स करके अगर बनाते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा येलो कलर का ही बनता है। मेरा हमेशा घी इसी तरह से बनता है। देखिए 5 मिनट होने वाले मुझे इसे हिलाते हुए, बस इतना ही करना है, इसे मैं तुरंत छान लूंगी। मैंने एक नीचे डिब्बा लिया है, डिब्बे में चलनी को लगाया है, इसके ऊपर मैंने इस तरह से बारीक कॉटन का जो कपड़ा रहता है उसे लगा दिया ताकि इसमें जो भी घी के अंदर बारीक बारीक कण जैसे रहते हैं मावे के वो पूरे हमारे निकल जाएंगे। इसे आप इस तरह छलनी से छान लीजिए। इसे हमें गरम गरम ही छानना है। अगर इसे हम काफी देर तक कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे तो जो हमारे मावे का कलर है काफी ज्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको कढ़ाई भी दिखा रही हूँ कि मेरी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जली है। ये देखिए बिल्कुल साइड में जरा सा हल्का सा लगा है, बाकी इस तरह से नहीं लगा कि इसका आपको काफी ज्यादा रगड़ना पड़े, काफी ज्यादा आपको मेहनत लगे। बिल्कुल कम मेहनत में ही हमारी कढ़ाई साफ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से भी काफी ज्यादा गर्म है, इसमें से अभी भी कम से कम 1 कटोरी के करीब इसमें से घी निकलेगा। मैं इसे इस तरह से टंगा दूंगी तो टांगने से क्या इसका जो भी घी है पूरा हमारा निकल जाएगा। अब घी देखते हैं, इसे मैं बाद में निकाल लूंगी। ये देखिए कितना सारा हमारा ये घी बन के तैयार हुआ। अभी इसमें आपको दाना बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा क्योंकि काफी ज्यादा ये गर्म है। इसकी ट्रिक रहती है अभी ये गर्म गर्म है इसके अंदर इसका जो ढक्कन है इसे आप लगाकर रख दीजिए। इसका ढक्कन लगा रखकर आपको रात भर के लिए छोड़ना है, उसके बाद मैं आपको सुबह दिखाती हूँ। मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए ये आप देख सकते हैं नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ये जमना स्टार्ट हो गया है।
क्योंकि अभी ना ही ज्यादा गर्म मौसम है ना ही एकदम ठंडा मौसम है। मैं इसका आपको दाना दिखाने के लिए इस तरह से कांच के बर्तन में दिखा रही हूँ। देखिए देखिए मैं इसका आपको दाना पास से दिखाती हूँ कि इसका दाना जो है कितना बढ़िया बना है। देखिए बिल्कुल दानेदार घी बनके तैयार होता है और इसे आप लंबे समय तक फ्रीज के साथ, फ्रीज के अंदर भी रख सकते हो, बिना फ्रीज के भी इसे आप स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल आएगी। बस ध्यान यही रखना कि इसमें जो बारीक बारीक मावे के जो कण रहते हैं वो इसमें बिल्कुल भी ना जाए। आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। एक चीज और इसमें डालना मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये दो लौंग लिए इस तरह से। इसे आप अगर घी के अंदर डाल देते इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है। बस इस तरह से हमें लौंग डालना है। अगर आपको इलायची की खुशबू पसंद है तो इसके अंदर आप इलायची भी, दो पीस इलायची के इसके अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल भी घी हमारा खराब नहीं होगा, ना ही इसमें चींटियां जैसे कई बार लग जाती वो भी नहीं लगेगी लौंग डालने से, और इसकी खुशबू भी काफी बढ़िया आएगी, ना ही इसमें कोई स्मेल आएगी किसी भी प्रकार की। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। काफी बढ़िया घी बनकर तैयार होता है। सिर्फ इसमें हमने शक्कर का ही यूज करा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।